नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा को आज एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब सदन की बैठक अगले महीने की 13 तारीख को होगी। संसद में बजट सत्र के पहले भाग के लिए अंतिम दिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी हटाने को लेकर बता दें कि अडानी समूह के मुद्दे और साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर सदन में विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आज सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीश धनखड़ ने आम आदमी पार्टी और साथ ही बीआरएस पार्टी के सदस्य द्वारा पेश स्थगन नोटिस को नामंजूर कर दिया था। वहीं खड़गे के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दी गई अपनी टिप्पणी को हटाने का मुद्दा उठाया। सभापति ने बता दें कि खड़गे के इस आरोप को खारिज कर दिया है। वे किसी दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने सदन की कार्रवाई का वीडियो बनाने के लिए कांग्रेस सांसद रजनी पटेल के खिलाफ कार्रवाई को ही सही ठहराया। बाद में कांग्रेस आप और साथ ही अन्य विपक्षी सदस्य अडानी समूह के मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग की और टिप्पणियों को हटाने के लिए नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति ने उन्हें कार्रवाई की चेतावनी दी, लेकिन वे नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को सवेरे 11:50 तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और जब सदन फिर से शुरू हुआ तो विपक्षी सदस्य फिर से सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने संयुक्त संसदीय समिति के जांच की विपक्ष की मांग को दोहराया है। वहीं कांग्रेस के अन्य सांसद प्रमोद तिवारी ने अपनी पार्टी के सांसद का निलंबन रद्द करने का आग्रह किया। इसका जवाब देते हुए सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष को राष्ट्रीय अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण बाधित करने की माफी मांगनी चाहिए। सभापति सदन के बाधित करने की बात नाखुश जाहिर की और उन्होंने सदन की कीमती समय बर्बाद हो गया और लोग सदस्यों के आचरण को देख रहे थे। उन्होंने बार बार विरोध करने वाले सदस्यों के आग्रह किया कि वे सदन को निर्धारित करने दें, साथ ही लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बाद में धनखड़ ने सदन के अगले महीने की 13 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। वही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल कोहिमा पहुंचेंगे। ये जानकारी नागालैंड बीजेपी के मीडिया प्रकोष्ठ से मिली है। और साथ ही बता दें कि नड्डा सवेरे लगभग 11:30 पर कोहिमा के कैपिटल कल्चरल हॉल में बीजेपी और एनडीपीपी के संयुक्त बैठक में भाग लेने वाले हैं। और साथ ही बैठक में नागालैंड के मुख्यमंत्री और बता दें कि इस दौरान तमाम वहाँ पर नेता मौजूद दिखेंगे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी को 28 फरवरी तक के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार शुभेंदु अधिकारी को अध्यक्ष पर आक्षेप लगाने के आरोप में निलंबित किया गया है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा हुआ था। शुभेंदु अधिकारी की स्पीच के दौरान बीजेपी और टीएमसी विधायकों में कहासुनी हो गई थी। इतना ही नहीं, स्पीकर के साथ भी शुभेंदु अधिकारी की कहासुनी हुई थी। इसके बाद से बीजेपी विधायकों ने हाय हाय के नारे लगाना शुरू कर दिया था और इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने पक्षपात का आरोप लगाया था, जबकि बीजेपी विधायकों ने सदन का बायकॉट कर दिया था। इस दौरान विधानसभा के स्पीकर ने नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बता दें कि विशेषाधिकार प्रस्ताव सुरक्षित रख दिया गया था। जानकारी के मुताबिक थोड़ी देर के बाद ही स्पीकर के शुभेंदु अधिकारी का निलंबन वापस ले लिया और टीएमसी नेता ने शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ममता द्वारा स्पीकर से विपक्ष के नेता से माफ करने का अनुरोध के बाद प्रस्ताव वापस लिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री और बता दें आपको कि
ओएसडी लोकेश शर्मा सोमवार को दिल्ली पुलिस के सामने एक मामले में पूछताछ के लिए पेश हुए। लोकेश शर्मा राजस्थान के जुलाई 2020 के राजनीतिक संकट के उपजे एक फोन ट्रैपिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए थे। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी शर्मा को नोटिस जारी कर मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। जनपद इटावा के सेंट मेरी कॉलेज में वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पत्रकारों से सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत विश्व गुरु रहा है, जब दुनिया में कई देशों का उद्गम भी नहीं हुआ था तब भारत के कई विश्वविद्यालय थे, यहाँ पर शिक्षा के कई केंद्र थे जहाँ दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते हैं। पहले यहाँ बच्चे विदेश पढ़ने जाते थे लेकिन अब विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। अभी तक 38 देशों के छात्र उत्तर प्रदेश में पढ़ने के लिए आ चुके हैं। पहले उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहा जाता था लेकिन अब उत्तम प्रदेश कहा जाता है। यहां 17 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट बन रहे हैं तो कहीं विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। लगातार यह सिलसिला जारी है। विभिन्न कार्यक्रमों में अनेक अवसर मिला और शिक्षण संस्थाओं से लेकर आज अशोक दुबे जी की बरसी का कार्यक्रम भी है और यहाँ पर औरैया में कुछ कार्यक्रमों का हाथ उसके नाते आया था। आज नई शिक्षा नीति को लागू करने के बाद जो विदेशों में पलायन हो रहा था बच्चों का, उसमें बड़ी तेजी के साथ में बदलाव हुआ। पहले उत्तर प्रदेश से और भारत से बच्चे विदेशों को पढ़ने की होड़ लगती थी, आज 38 देशों के बच्चे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आए हैं। आज उत्तर प्रदेश में A++ नेक की ग्रेडिंग हमारे यूनिवर्सिटीज की है। 5 सालों में जो योगी वन की सरकार थी उसने शिक्षा के स्तर में मूलभूत परिवर्तन किए, नकल विहीन परीक्षा, गुणवत्ता परक शिक्षा, सुखी मन शिक्षक और तनाव मुक्त विद्यार्थी, इसके आधार पर जो काम हुआ है आज बच्चा पढ़ते पढ़ते रोजगार परक शिक्षा को पाके वो जब इंटर को पास करता है तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि अलग अलग जगहों पर जाकर वो पढ़े। कोरोना के समय भी उत्तर प्रदेश ने भारत को लीड किया और पहला प्रदेश था उत्तर प्रदेश जहाँ पर एक दिन भी गैप नहीं हुआ और ऑनलाइन एजुकेशन को हमने अपने तरह से डेवलप किया। आज कोर्स शेड्यूल बदला है, NCERT की परीक्षाएं का कोर्स का जो पुस्तकें हैं वो चल रही हैं। आज 100 रुपये अगर दिल्ली में किताब का दाम है तो 30 रुपये उत्तर प्रदेश में। 25 साल पहले जो पुस्तकों के दाम थे बोर्ड में प्रयागराज बोर्ड के, वो आज यहाँ उत्तर प्रदेश में है। यानी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन। आज 17 एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, 35 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। 8-8 मेट्रो चल रही है और हमारा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि बदला हुआ भारत और बदला हुआ उत्तर प्रदेश ये मोदी जी और योगी जी के समन्वय के कारण है। यूपी के पीलीभीत जनपद के बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक दिवसीय दौरे पर आज अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे। इस दौरान वरुण गांधी ने ग्राम बमरौली में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में वरुण गांधी ने आवारा पशुओं की समस्याओं को उठाया और कहा कि किसान आवारा पशुओं से परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक गन्ने का रेट निर्धारित नहीं हुआ है, साथ ही किसानों का पैसा चीनी मिल दबाए बैठी हुई है, 80% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। वरुण गांधी ने जिला प्रशासन से किसान का बकाया गन्ना मूल्य दिलाने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि धर्म का मतलब लोगों को गलत निकाल दिया है जबकि धर्म का मतलब होता है गरीबों की रक्षा करना, माता बहनों का सम्मान करना, अनाथों और कमजोरों की मदद करना।
कासगंज जनपद के गंज डुडवारा नगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता अब्दुल हफीफ हफीज गांधी के नेतृत्व में 6 दिवसीय समाजवादी संदेश साइकिल यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं का माल्यार्पण कर किया गया है। और साथ ही साइकिल यात्रा जनपद के तीनों पटियाली अमापुर और साथ ही कासगंज विधानसभाओं के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। पूरी साइकिल यात्रा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीफ हफीज गांधी और साथ ही पटियाला विधानसभा अध्यक्ष मुनेंद्र शाकिर रहेंगे। वहीं 6 दिन के इस साइकिल यात्रा में कासगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 150 किलोमीटर सफर तय करेगी। आज पहले दिन ये साइकिल यात्रा 13 किलोमीटर चलेगी और साथ ही गंज डुडवारा नगर से होती हुई सिद्धपुरा कस्बे में पहुंचेगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने समाजवादी के संदेश साइकिल यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा है कि साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की समस्याओं का इकट्ठा कर शासन प्रशासन तक पहुंचाना है। उन्होंने इस यात्रा के दौरान किसान, युवाओं, मजदूरों, अध्यापक आदि से मिलेंगे और उनसे लोगों को हो रही समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। ये साइकिल यात्रा का उद्देश्य है कि प्रदेश भर में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, प्रदेश भर में जिस तरह से खाद नहीं मिल रही है लोगों को, किसानों को काफ़ी परेशानी आ रही है, बिजली के बिल काफ़ी बढ़े हुए आ रहे हैं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, जर्जर अवस्था में हैं, तो इन सारे मुद्दों को उठाने के लिए हम ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं। और भी जो जन समस्याएँ होंगी हम लोगों से पूछेंगे और इन सारी जन समस्याओं को इकट्ठा कर हम जिला प्रशासन को देने का काम करेंगे। ये 6 दिवसीय यात्रा है, आज से शुरू है और 18 तारीख तक चलेगी। करीब 150 किलोमीटर हम इस यात्रा में तय करेंगे। कासगंज के विभिन्न हिस्सों में ये यात्रा निकलेगी और 16 तारीख को हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर जी से मिलेंगे, उनको भी एक ज्ञापन देंगे। तो इस यात्रा में जो जो समस्याएं हमको समझ आएंगी उन समस्याओं को हम ज्ञापन के माध्यम से हर्षिता माथुर जी को देंगे और उनसे ये आग्रह करेंगे कि आप इन समस्याओं का समाधान कराइए। उसके बाद हम जेल रोड पर भी जाएंगे। कासगंज की जो जेल है वो जेल रोड काफ़ी जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको भी हम बनवाने की मांग करेंगे। तो जो किसानों को, युवाओं को जो समस्याएं आ रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, जो एसेंशियल आइटम्स हैं खाने पीने के, वो इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि आज की जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, इसकी जो नाकाम सरकार है, इस सरकार में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया है। इसके बारे में हम लोग जन जन तक ये बात अपनी पहुंचाने की प्रयास करेंगे और जो समाजवादी पार्टी सरकार में जो भी विकास कार्य हुए हैं उनको हम जनता के बीच ले जाएंगे। और आज इस सरकार में नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है और सभी वर्ग परेशान है, सभी तबके के लोग परेशान हैं। इन तमाम समस्याओं को, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हफीज गांधी ने बताया कि हम पूरे ज़िले से इस तरीके से जो तमाम समस्याएं हैं और भी जनता की हम समस्या सुनेंगे, जो भी समस्या सामने आएगी उस समस्या को लेकर के हम शासन प्रशासन के बीच जाएंगे। जालौन का जिला अस्पताल शराब पीने के अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिला अस्पताल में तैनात चीफ फार्मासिस्ट इमरजेंसी वार्ड में शराब पीते मिले हैं और शराब पीने के बाद चीफ फार्मासिस्ट और साथ ही उनके साथ अन्य स्टाफ ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा है। मामले की जानकारी पहुंचते ही अस्पताल में बता दें कि CMS कार्रवाई करने की बात करते कही है और वही ये पूरा मामला उरई के पुरुष जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का है। शराब पी रहे थे, शराब पीते पकड़े गए और गाड़ी गिरफ्त कर रहे हैं। आज मुझे संज्ञान में मिला है कि एसके उपाध्याय नाम का जो चीफ फार्मासिस्ट है हमारा, उसकी आज ड्यूटी भी नहीं थी, फिर भी वो इमरजेंसी के कक्ष में कमरा बंद करके शराब पी रहा था और शराब के नशे में धुत पाया गया। उसको दरवाजा खुलवाने पे वो बार बार शराब के नशे में था और गिर गिर पड़ रहा था जमीन पर। तो चूंकि ये कृत्य अच्छा नहीं है, उसको पूर्व में भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है कि आप ड्यूटी पर जब भी रहें तो शराब ना पिए। हालांकि वो आज ड्यूटी पे नहीं था, फिर भी वो नशे की हालत में उसने यहाँ पे अड्डा बना रखा है। सर, दो लोग पकड़े गए हैं, दो लोग। दूसरा एक फार्मासिस्ट और है जो उसके कमरे में मौजूद था मेरे सामने और मीडिया के सामने, उसको दरवाजे पे खोलने पे वो भी साथ में मिला था।
और शायद उसने जैसे कि मीडिया वालों ने बताया कि गाली गलौज भी किया है, धमकी तक दे रहे हैं। हाँ, और अभद्रता से बहुत पेश आए ये लोग नशे में। तो मैंने पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी है और मैं उस संबंधित फार्मासिस्ट की डॉक्टरी जांच करा के दंडित करूँगा। जनपद जालौन के ससुराल से आ रहे बाइक सवार पिता बेटी का अज्ञात वाहन ने बता दी कि एच रोड के पास से टक्कर मार दी है, जिसमें पिता की मौत हो गई है जबकि बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जालौन के उरई कोतवाली अंतर्गत ग्राम मिनौरा के रहने वाले मयादीन की पूंछ थाना क्षेत्र के ससुराल का है और यहाँ पर बता दें कि मयादीन अपने बेटी के साथ बाइक से ससुराल आ रहा था और इसी दौरान पूंछ थाना क्षेत्र के रास्ते में अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम, कौन खत्म हुआ है? फूफा जी। कैसे खत्म हो गए? सड़क दुर्घटना में। कहाँ की घटना है? हेरच रोड। नहीं, थाना पूंछ। कहाँ की है? हेरच रोड थाना पूंछ। थाना पूंछ। कैसे आ रहे थे? पैदल ही थे। अच्छा, किसने मारी, क्या हुआ? कोई बात, अज्ञात वाहन था भाई। अज्ञात वाहन था, कहाँ जा रहे थे ये? पूंछ ही आए थे। अच्छा, आप लोगों जानकारी क्या सुनिए? रास्ते राहगीरों ने बताया। क्या बताया था? फोन के जरिए कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें सूचना मिली तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर। देखा तो फूफा जी तुरंत ही एक्सपायर हो गए थे और उनके साथ में हमारी बहन, वो गंभीर रूप से घायल थी तो उसे तुरंत ही झांसी के लिए रेफर कर दिया गया था। अच्छा, बहन की हालत कैसी थी? अभी सही बताया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा। जो कैसे थे फूफा जी? दोनों लोग भी पैदल थे। पैदल थे। पुलिस में शिकायत की आपने? जी बिल्कुल। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में एएमयू चुंगी गेट पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है और संपत्ति पर जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद भी आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है। वहीं आज जिलाधिकारी बता दें कि इंद्र विक्रम सिंह ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया है और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि यहाँ एक भूमि थी जिस पर भूमाफियाओं द्वारा भूमि को बिक्री करने के उद्देश्य से कब्जा किया जा रहा था। इस भूमि को प्रशासन द्वारा कब्जा मुक्त कराते हुए यहां आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया था और वहां उक्त भूमाफियाओं पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि यहां आंगनबाड़ी केंद्र में 4 से 5 आंगनबाड़ी केंद्र संचालन किए जाएंगे और यहां जनपद वासियों को आधार कार्ड को बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। ये एक एबेंडेंट ट्रस्ट की बिल्डिंग थी जिस पे भूमाफियाओं की निगाह थी और वो इस पे कब्जा करके इसको तोड़ना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे। इसको रोका गया है, बचाया गया है, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अब इस बिल्डिंग में आंगनबाड़ी केंद्र 3 संचालित होंगे। इसके अलावा आधार बनाने का एक केंद्र संचालित होगा। तो इस प्रकार से ये सार्वजनिक उपयोग में, बच्चों के उपयोग में आने के लिए भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई बिल्डिंग है। इसका रेनोवेशन कराया गया है, बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसको खूबसूरत बनाया गया है और अब ये जनउपयोगी बनाकर लोगों को शीघ्र ही समर्पित कर दी जाएगी। सहारनपुर में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन तांडा सहारनपुर द्वारा बता दें कि वैलेंटाइन डे और आगामी त्यौहार के दृष्टिगत तमाम तैयारी कर ली गई है, जिसको लेकर आज सहारनपुर पुलिस ने लोगों को तमाम निर्देश दिए हैं और साथ ही इन त्यौहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। कल वैलेंटाइंस डे है जिसको लेकर कि पुलिस प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि सभी होटल व्यवसायी, सभी रेस्टोरेंट, ढाबे, बाजारों में जहां पर युवक युवतियां आते हैं, पार्कों में, यहां सभी जगहों पर पुलिस गश्त रहेगी। कहीं भी किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा और यदि कहीं कोई करता है असभ्य व्यवहार तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिसकर्मियों को भी निर्देशित किया गया है कि मर्यादापूर्ण व्यवहार करते हुए सबका सम्मान करें और आवश्यक कार्यवाही, विधिक कार्यवाही जो है उसको नियमानुसार ही की जाए। कहीं भी
अमेठी में सफाई कर्मी और बता दें कि फार्मासिस्ट के भरोसे ही सरकारी अस्पताल चल रहा है। वही फार्मासिस्ट और सफाई कर्मी मरीजों की जान से खेलते नजर आए हैं और साथ ही खुलेआम फार्मासिस्ट मरीजों को प्राइवेट दवाइयां लिखते हुए नजर आए। साथ ही सफाई कर्मी जो है वे मरीजों को इंजेक्शन लगाते हुए नजर आए हैं। वही इस मामले को लेकर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी का यह पूरा मामला है जिसके बाद से लगातार हॉस्पिटल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये अभी हमने वीडियो देखा, आपने दिखाया हमको, तो इसमें जो व्यक्ति इंजेक्शन लगा रहा है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अभी वहाँ स्टाफ की कमी ज़रूर है, लेकिन फिर भी कोई बाहरी आदमी या कोई सफाई कर्मी तो इंजेक्शन नहीं लगा सकता। इस मुद्दे की पूरी जांच कराएंगे और ये अधीक्षक से स्पष्टीकरण लिया जाएगा और अगर सही होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फार्मेसिस्ट द्वारा MR से वार्ता करने और इलाज करने का भी मामला है तो क्या है? हाँ, सब इस पर भी हम स्पष्टीकरण लेंगे, फार्मेसिस्ट का भी और अधीक्षक का भी, और उसके बाद ही किसी नतीजे पहुंचा जाएगा, लेकिन यकीन कीजिए बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। इस अस्पताल में कितनी दवाएं हैं यहाँ? 130 प्रकार की दवाएं हमारे पास इसमें हैं। जी जी, और कुछ जैसे बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं जैसे कैंसर के आगे, ये सब तो दवाएं वैसे भी CSC और उस पर जिला अस्पताल पे भी नहीं आती हैं, तो वो सब दवाएं नहीं है। लेकिन जो जैसे बुखार के हुए, डायरिया के हुए, या जो भी जो आम बीमारियां हैं उसकी सारी दवाएं हमारे पास हैं। फिरोजाबाद में विभिन्न मांगों को लेकर 11 तारीख से भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा तहसील, बता दें कि टुंडला में धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन कर रहे भाक्यू भानु के पदाधिकारियों ने आज तहसील टुंडला के सभी कार्यालय पर तालाबंदी कर दी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि 2014 से भारतीय किसान यूनियन द्वारा सरकार से मांग की जा रही है कि किसानों के विद्युत बिल और साथ ही ऋण माफ किए जाए। इसके अलावा किसान आयोग के गठन की मांग की गई है जो सरकार से अब तक पूरी नहीं की गई है। इसी क्रम में आज भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष मनसुख पहलवान की अध्यक्षता में तहसील टुंडला में धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसा है, देखिए, 2014 से लेकर आज तक राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो हमारे यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने समर्थन दिया पूरा। सरकारें बनी, योगी जी ने और प्रधानमंत्री ने हमसे वादा किया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि सभी किसानों का कर्ज मुक्त कर देंगे, बिजली बिल फ्री कर देंगे, ऊपर से उन्होंने बिजली ट्यूबवेलों पे मीटरों लगा दिए। किसान आयोग का अभी तक गठन नहीं किया है। किसान गौ वंशों से इतना परेशान है, फसलें बर्बाद हुई पड़ी है, बिजली मीटर लगा के डबल उनपे वसूली की जा रही है। जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करेगी तब तक इसी तरीके से हमारा निश्चितकालीन धरना चलता रहेगा और हम यही बैठे रहेंगे। और हमारे प्रदेश कार्यालय पे भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है किसी भी सूरत में। किसान आयोग के गठन को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों द्वारा फिरोजाबाद के तहसील टुंडला में धरना प्रदर्शन जारी है। यह धरना प्रदर्शन 11 तारीख से किया जा रहा है जिसके तहत आज तहसील टुंडला में तालाबंदी की गई है। आप देख सकते हैं कि जो तहसील में सभी कार्यालयों में इस समय ताला बंद है और जो है यहाँ भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी यहाँ धरना प्रदर्शन पर हैं। इनकी मांग है कि सरकार किसानों का जो ऋण है वो माफ करे और साथ ही बिजली माफी की मांग है, और इसके साथ ही इनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द किसान आयोग का गठन करे, अन्यथा की स्थिति में ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए किशन चंद, फिरोजाबाद। अगर बात की जाए प्रदेश की योगी सरकार की अपराधियों पर सख्ती की, तो ऐसे में पुलिस का खौफ अपराधियों में देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं गोरखपुर की पुलिस बता दें कि अपराधियों के बीच लाचार नजर आई है। मामला खर बता दें कि खोराबार थाना क्षेत्र के
करमहिया का है, जहां पर 4 फरवरी की शाम एक युवक को कुछ लोगों ने धारदार हथियार से मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया था। पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां कुछ दिनों बाद इलाज के बाद उन्हें BRD मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया और वहाँ उसका इलाज चल रहा था। इस घटना में पीड़ित ने 10 लोगों के खिलाफ लिखित तहरीर दी गई थी और उसके बाद से पुलिस ने 307 सहित कई गंभीर धाराओं में 5 तारीख के मुकदमा पंजीकृत किया है। और लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जब राजेश निषाद के घर पहुंची तो घर में महिला सहित तमाम लोगों ने पुलिस की नोकझोंक हुई और बेबस पुलिस वहां से बेरंग वापस लौट गई। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो के संबंध में पुलिस उच्च अधिकारियों ने कुछ बोलने से मना किया है। कि मेरे भतीजे को राज निषाद चुनाव के लेकर के और चुनाव की रंजिश लेकर के इन्होंने, इसके बाद भी कई बार इन्होंने प्रयास किया, मुकदमा में भी फर्जी फंसाया और उसी की रंजिश लेकर के, चुनाव ही की रंजिश लेकर के एक घात लगा के बैठा था। जब मेरा भतीजा सब्जी लेने के गया तो रास्ते में लोग मारने लगे। मारने वाले कौन है? राजेश के हाथ में फरसा था और उसके हरिचंद के नाम से हरिचंद के हाथ में टांगी था और 10 लोग मिल करके उसको मारने लगे और मार करके घायल करके मुर्दा छोड़ करके ये लोग भाग गए। उसके बाद हम लोग पता चला फोन से कि आपके भतीजों को मार करके रोड में लोग रखे हैं। हम लोग यहाँ से भागते गए और कोई बीच हम लोग गए और वहाँ से उसको लाद करके ले आ करके थाना में ले आए और सबसे पहले थोराबार थाना के एसओ ही उसको देखे कि वास्तव में इनको फरसा से और टांगी से काटा गया है। उस चोट के आधार पर तब इन्होंने हमारा मुकदमा दर्ज करवाया और मुलहिया करवाया। उसके बाद ब्लॉक के डॉक्टर उसको रिफर कर दिए, सदर में गया। सदर में 7 दिन तक ले मैंने दवा कराया, एक्सरे करवाया, इंजरी रिपोर्ट निकलवाया। उसके बाद अब कहे कि अब यहाँ दवा तुम्हारी नहीं हो पाई। उसके बाद तब हम लोग चले गए मेडिकल कॉलेज। ये घटना 4 फरवरी की है। कितने लोग शामिल थे इस घटना? 10 लोग। अच्छा, मुख्य अभियुक्त कौन है? राजेश, जिसके हाथ में फरसा था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। At GLA University, we